खंडवा में पहली बार केक डेकोरेशन कंपटीशन, सभी प्रतिभागियों को मिलेगा 199 रुपीस तक का हेम्पर एवं एक फ्री बेकिंग वर्कशॉप। केवल 99 रुपीस से रजिस्ट्रेशन करिए। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। खंडवा के बाल संरक्षण गृह से भागे दो नाबालिग, दरवाजे का नकुचा तोड़कर रात में हुए फरार। गार्ड की सूचना के बाद हरकत में आया बाल संरक्षण गृह कामला। एक हरदा के नाबालिग पर चोरी का प्रकरण, दूसरा खरगोन जिले के भगवानपुरा के नाबालिग पर 376 पॉक्सो एक्ट का मामला, एक नाबालिग की कल ही हुई जमानत, आज होना ही थी इसकी रिहाई। प्रभारी अधीक्षक HS अरोड़ा ने खंडवा कोतवाली थाने को दी सूचना। ये बाल संरक्षण गृह में 18 साल से बच्चे रहते हैं, जो छोटे जुर्म में आते रहते हैं, जिनको नाबालिग की संज्ञा दी गई है। तो कल रात को दो बच्चे वहाँ पे दरवाजे जिसमें सोते थे उसका नकुचा तोड़ के रात को भाग गए। इस प्रकार की सूचना मेरे को जो गार्ड रहता उसकी सूचना दी गई। देखा गया तो वो दोनों फरार थे, जिसमें एक बच्चे की जमानत हो चुकी थी, आज उसको छोड़ना था, पर वो रात्रि ही फरार हो गया। एक हरदा का बच्चा था जो चोरी के प्रकरण में बंद था, और एक जो खरगोन भगवानपुरा का था वो 376 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बंद था। तो दोनों फरार हो गए हैं, इसकी मैं FI करने थाने में आया हूँ। किस तरह से भागे हैं सर, किस तरह की प्रयास किए हैं? ये नकुचा तोड़ के भाग गए। किन किन जुर्मों में थे सर? ये धारा 376 के अंदर बलात्कार के अंदर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक था, दूसरा चोरी के अंतर्गत था। आगे क्या कर रहे हैं? आगे अब जांच कर रहे हैं, जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। परिचय दे। मेरा नाम HS अरोड़ा है, मैं सहायक संचालक महिला बाल विकास में हूँ, और बाल संप्रेक्षण में मैं अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहा हूँ।